नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज हमारे साथ जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह जी मौजूद हैं। पिछले दिनों खाद की कालाबाजारी को लेकर, खाद की जो कालाबाजारी थी, दुकानदार के द्वारा मनमाने ढंग से राशि वसूला जा रहा था, उसको लेकर टुनटुन शाह ने पिछले ही दिनों क्षेत्र का भ्रमण कर आवाज़ उठाया था। और आज फिर हमारे साथ टुनटुन शाह मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, पिछले दिनों आपने खाद की कालाबाजारी को लेकर आवाज़ उठाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ मात्रा जो है खाद की कालाबाजारी का, वो अब भी जारी है। सर देखिए, पिछले दिन हम खाद का मामला उठाए थे और आपने सिल्क टीवी में चलाया था, पेपर माध्यम के से आया भी था। और पिछले दिन 29 नवंबर को हमारे यहाँ समान बोर्ड की बैठक थी और कृषि पदाधिकारी मौजूद थे, DDC मौजूद थे, DRDA के डायरेक्टर मौजूद थे और सारे पदाधिकारी। जिले में जो चल रहे हैं सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, हम लोग उसको समीक्षा करते हैं और जो रिपोर्टें आती हैं उसके बाद को अनुपालन कराते हैं। DDC हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं। बात रही खाद की, तो जब किसान की मेला थी तो वहाँ साकुन में मेला प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उसमें हमको आमंत्रण किया गया था, मैं भी गया था। और किसानों वहाँ लगभग 500 से ज़्यादा किसान होंगे और कार्यशाला थी और किसानों ने माइक पर उठ के DO और BDO, प्रखंड प्रमुख और पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और सभी सम्मानित व्यक्ति के सामने और प्रखंड परिसर में मेला लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ खुलेआम खाद जो है 400 रुपया में बिकता है, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2010 में हम पैक्स का सदस्य बने और पैक्स का अध्यक्ष बने, कस्बा खरी पैक्स का। पैक्स में भी बेहतर काम के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहे, किसानों को IFFCO के द्वारा सस्ता दर पर खाद मिले, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां रह गई और समय बीत गया। तो समय ऐसे आते हैं और बीतते चला जाता है। फिर उसके बाद में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो जिला परिषद में भी मैं 20,000 वोटों से जिला परिषद चुन के आया। उसके बाद लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करके जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया सभी पार्षदों ने। और जब मैं पार्षद बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, तो लगातार सब क्षेत्र में घूरते रहे और पहली मैं समस्या उठाया जनवितरण प्रणाली का, जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने अपने विधानसभा या लोकसभा और या चाहे पंचायत में या प्रखंड में या जिला में आज तक किसी ने उठाने का साहस नहीं किया। लेकिन मैं उठाने का साहस किया और मैं उठाया, तो हमको लगता है कि एक दो प्रखंड, जिले में 16 प्रखंड है, लेकिन एक दो प्रखंड, दो चार, दस बीस, एक दो प्रखंड में समूचा प्रखंड नहीं, उसमें दो चार दस पंचायत में लागू हुआ कि 2 रुपया जो किलो गेहूँ जो मिलना था और 3 रुपया किलो चावल, वह भी आज नहीं मिल रहा है। आज भी खुले हम 3 रुपया 4 रुपया मिल रहा है, लेकिन 2 रुपया 3 रुपया कहीं 2 रुपया 3 रुपया, और मेमो तो कहीं दिया ही नहीं जाता है। मैं दावे के साथ कह दूं कि किसी भी लेने के लिए कार्डधारियों को मेमो नहीं दिया जाता है, और अनाज भी कम दिया जाता है कि जैसे 1 यूनिट पर 5 किलो है, जिसका 5 यूनिट पर 25 किलो है उसको 2 किलो कम, जिसका 35 किलो है उसको भी 2 किलो कम, सबको कम देता है। कम देने का रीज़न क्या, जब हम गहराई में पता लगाए तो डीलर भी मिले, चूँकि डीलर भी गांव के आते हैं, डीलर भी समाज के लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि हम देखिए हमारे साथ मजबूरी लाचारी क्या है कि हम जब खाद उठाते हैं तो डोर स्टॉप डिलीवरी की यहाँ जो है लाइसेंस मिलती है, DM साहब देते हैं, और डोर स्टॉप डिलीवरी में उसको डीलर को खाद जो है खद्दान नाप करके देना है। लेकिन आज तक किसी खद्यान जो डोर स्टॉप डिलीवरी है उन्होंने नाप के नहीं दिया, तो ये सोच सकते हैं उसी तरह से उन्होंने कम दिया करते हैं। इस पर मैं लगातार आवाज़, लेकिन आज तक वो भी संशय प्रकार है। और क्या कहते हैं, आपके यहाँ अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, SDO साहब बैठक लेते हैं, लेकिन बस उसमें खाना पूर्ति होता है, आए बैठक किया, प्रसाद साहब बोले जो बोले उसको लिखे, उसको कार्रवाई नहीं होती है। सर, भ्रष्टाचार की जो मार है वो हमेशा गरीब किसान मजदूरों के ही ऊपर पड़ती है, तो खासकर आप क्षेत्र में राजनीति में बरसों से सक्रिय हैं और क्षेत्र की जनता ने आपको सहारा भी है, लगातार आप जीतते आए हैं, और जैसे आपने बताया कि वार्ड से लेकर आज जिला परिषद अध्यक्ष तक का सफ़र रहा है, तो जनता की एक उम्मीद होती है आपसे, और हो भी क्यों ना, आप जनप्रतिनिधि के नाते गरीबों का, खासकर गरीबों की ये सोच होती है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए, उनकी जो परेशानियाँ हैं उसको सुना जाए, उसको उसका निराकरण किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक जनता की चाह आपसे जुड़ी हुई है अब भी। तो देखिए, अभी मनरेगा जो सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, मनरेगा समझिए कि लुटरेगा बन गया है। लुटरेगा क्या, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी जो मजदूरों को मजदूरी दिया जाता है, पहली बात तो सरकार को भी आंकना चाहिए कि 177 रुपया आप मजदूरी किस हैसियत से देते हैं, 177 रुपया में क्या होगा,
जबकि प्राइवेट मजदूर के यहाँ मजदूरी करेगा लोग 300 रुपया मिलता है। वर्तमान की सर महंगाई भी अभी देखा जाए तो बहुत ही कम पड़ेगा, महंगाई बढ़ी है। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा और अनुरोध करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि मनरेगा में जो आप 177 रुपया दिए हैं इसको बढ़ाया जाए। और उसके बाद ये देखिए कि आज 30 से 40% पूरे ज़िला में, मैं बिहार की बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन भागलपुर ज़िला में घूम रहा हूँ, जो मनरेगा में जो मजदूरी मिलता है 40% लोग बिचौलिया का जब मतलब कि अपने हाथ से साइन कर देते हैं और लेबर सुपरिटेंडेंट से पूछा जाए, उनके यहाँ लेबर ऑफिस है, यहाँ श्रम विभाग भी है, श्रम मंत्री हमारे हैं, अच्छे हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और हम श्रम विभाग के अधीक्षक यहाँ भागलपुर में बैठते हैं, उनसे पूछिए कि क्या कितने आपके पास लेबर का जो है जॉब कार्ड बना हुआ है, किसने आपको रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो नहीं है। और 100 में 40% फर्जी मजदूर का जो है उस पर साइन करवाया जाता है और मजदूरी निकाला जाता है। और मैं बता दूं मनरेगा में अभी इस तरह का लूट है कि एक एक योजना को 2 बार चलाया जाता है नाम बदल बदल करके। मैं आपको प्रमाण दूंगा, मैं कोई भी बात बोलता हूं बिना साक्ष्य के नहीं बोलता हूं। पिछले दिनों मैं मनरेगा में चल रहे योजना को मैं जांच करवाया तो जो अब सरकार द्वारा गली नली बनाता है, आप सोचिए मनरेगा में जो गली नली बन रहा है, मनरेगा में डाल की खुदाई है, मनरेगा में पोखर बन रही है, सब जगह कहीं कहीं तो बिना ईंट का ही जो है ढलाई कर दिया गया, इतना भ्रष्टाचार है उसको बता नहीं सकते हैं। मनरेगा की योजना को अगर जांच करेंगे तो सही पता चलेगा। मैं डीएम साहब से आग्रह करता हूं, क्योंकि डीएम साहब बहुत अच्छे हैं जब से आए हैं और इसके पहले से हमारे साहब थे वो भी सुनते थे, लेकिन ये और बहुत ही मतलब समझिए कि जनप्रतिनिधि की बातों को सुनते हैं, पदाधिकारी उनसे मिलने गए उनकी बातों को सुनते हैं, कर्मचारी की बातों को सुनते हैं और जनता पब्लिक की बातों सुनते ही नहीं है, सुन के उसका निराकरण करके निदान निकालते हैं। लेकिन अकेले जिला पदाधिकारी महोदय क्या करेंगे, हम कहते हैं जो क्षेत्र में चलता है, हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं, कुछ हम लोग भी आर्थिक लाभ लेने के लिए जो है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आज हमको 3.5 साल मोटा मोटी होने के चला और मैं आप कई योजनाओं का मैं कितना बार पत्रक लिखा लेकिन उसका फलाफल नहीं निकलता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी सांस रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे। आज पद है, आज व्यवस्था, आज कल हो सकता है नहीं बने जी, हो सकता है फिर बने, इससे अति हुआ, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता का और भगवान ने हमको अपना कमाने खाने के लिए अपना रोजगार दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन मैं मनरेगा में पूरे ज़िले में पूरा भ्रष्टाचार है, कहीं भी आप जाँच करा लें, पंचायत में एक एक पंचायत में पूछिए उनसे पीओ से कि एक एक पंचायत में एक काम बताइए जो बढ़िया काम है और उसी काम को जाँच कीजिए तो पता चल जाएगा। मनरेगा में ऐसा भ्रष्टाचार आज तक कहीं नहीं हुआ है भाई कि बताइए, समझिए कि आप पीओ को जाके देखिए ना, एक पीओ जो है आप नारायणपुर में पिछले बार आदेश दरमारे सर थे डीएम साहब यहाँ और उन्होंने नारायणपुर में काम नहीं होने के सिलसिले में उस पीओ को टर्मिनेट कर दिया गया। और आप हमारे यहाँ शाहकुंड में, मैं बता दूँ जहाँ क्षेत्र में जीत करता हूँ, शाहकुंड में सबसे ज़्यादा भागलपुर में लूट मचा और सबसे ज़्यादा राशि निकासी हुई है और बोलता है काम हुआ है और कहीं भी सब जगह चिमनी ईटा लगा है, एक दो पंचायत छोड़ करके कहीं भी चिमनी ईटा लगा ही नहीं है, सोचिए कितना भ्रष्टाचार है। और सब जगह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ देसला ईटा लगा है और देसला ईटा काम जो है 30, 35, 40% तो हद हो जाएगा। अगर पूरे जिला का गुना कीजिएगा तो 40% भी अगर काम हो जाएगा तो समझिए कि हमारा धरती जो है सही जगह पर है, हम सही जगह पर, हम जनप्रतिनिधि सही जगह पर हैं, नहीं तो 40% भी काम नहीं हुआ पूरा जिले में। पूरे जिला में मनरेगा में 40% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि काम नहीं हुआ है, जबकि काम 80%, 90%, कम से 100% होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। और एक काम पर दो दो बार, जबकि 5 साल में एक काम को, जैसे आज योजना हमारा शुरू, जैसे कि हुआ शुरू 12-13 में, तो उसके बाद 13 जब हुआ कि 15 में हमारा ठीक हो गया कि 15 में कार्य पूर्ण हो गया, तो 15, 5, 20 के बाद 21 में काम शुरू होगा। लेकिन क्या हुआ, 12-13 का योजना शुरू हुआ उसको नाम बदल दिया और उसके बाद उस पर योजना चला। सोचिए कि प्रशासनिक सुधार करते, हद तो तब पार कर गई जब समान बोर्ड की बैठक थी और मनरेगा के कार्यपालक अभियंता स्कूटी इंजीनियर ने जब सदन में पूछा गया और सभी लोग डीडीसी साहब थे और सबके सामने पूछा गया, ठीक है भाई आप जाते हैं सुपर चेक करते हैं और उन्हीं के चेक के बाद वो पेमेंट राशि निकलता है, लेकिन उसके बाद उनसे पूछा गया तो आप पंचायत का नाम, अच्छा जहाँ जहाँ जाते हैं तो पंचायत का नाम जानते हैं, तो बोले हाँ जानते हैं, तो बोले शाहकुंड में कितने पंचायत हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं। सोच लीजिए अब इससे बड़ा और साबित क्या हो सकता है। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा और आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि मनरेगा की जांच कराएं और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर आप जरूर उसको टर्मिनेट करें और उनको जो भी आवश्यक कार्रवाई, जो पैसा राशि जो लिया है उनको वसूली की जाए। अगर गलत पाएं तो, अगर गलत हम अगर बोलते हैं तो मेरे पर भी 211 मुकदमा चला के हमको जेल भिजवाने का काम करें, मैं ये कहता हूँ।
सर, सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रा में फैली हुई है हर योजनाओं में, जैसा कि आपने बताया, खासकर मनरेगा में, तो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है सर? आखिर इस चीज़ का जो है, गरीब मजदूर जो मजदूरी करते हैं मनरेगा में, आखिर वो इन सब चीज़ों को क्यों सहें? किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए इस सब चीज़ों के लिए? ज़िम्मेदार प्रखंड में जो हैं वो प्रखंड PO प्रोग्राम पदाधिकारी, उसी के लिए उनको बहाली किया गया है। और तो और शाहकुंड प्रखंड के PO जो हैं, और अभी वो उनका पोस्ट हो गया है, ऊपर बढ़ गए हैं, वो DPO हो गए हैं शायद, नहीं समझे? और सोचिए कि अब जब यहाँ उनका यहाँ, और जानते हैं आप जो मनरेगा में MIS करने के लिए पहले से रखे हुए थे, और उन्होंने अपने मतलब समझे संबंधी को रख करके, और 2 साल फर्जी, ना किसी का आदेश है ना कभी विज्ञप्ति निकाला, और उन्होंने फर्जी निकाल करके उसको पैसा रखने का काम करवा रहे हैं साल भर से। सोच सकते हैं कि अब ऐसा फर्जी अपने मन से क्यों रख दिए भाई? कहीं रखने का अधिकार तो किसी को नहीं है, उसका विज्ञापन निकालिएगा कोई बिना किए। इतना भ्रष्ट है कि जिसका वर्णन नहीं है उनकी आप जा, और दिन भर वो दवाई खाली MBA का दवाई बेचते हैं, और उसके दर्जनों शिकायत उनकी आई है, दर्जनों शिकायत जिलाधिकारी महोदय के पास, DDC महोदय के पास, हमारे पास, लेकिन कोई भी कार्य उन पर आज तक ना आरोप लगा, ना आरोप सिद्ध हुआ, ना आज तक जाँच हुआ उनका। आखिर सर जाँच क्यों नहीं होती है? आखिर कहाँ मामला अड़ कहाँ जाता है? जनप्रतिनिधि का काम है कार्य योजना बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना पदाधिकारी के काम होते हैं। हमारा काम है, मैंने जांच पाया, ये गड़बड़ी पाया, मैंने लिख करके DDC महोदय को दिया, DDC या DM साहब को दिया। अब उनका काम है कार्रवाई, क्या कार्रवाई की है नहीं की, वो तो उनसे DM साहब से पूछेंगे ना कि DM साहब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ कि पूरे ज़िले में जाँच करवाइए ना, एक एक पंचायत का। आप कहते हैं MDM का, MDM जो खाना जो है सरकार ने जो बच्चों को खाना देते हैं, आप खाना का हाल देखिए ना, सभी स्कूल में जाइए क्या हाल है। पिछले दिनों सर आपने आंगनबाड़ी को लेकर भी कुछ कहा था, क्या कुछ मामला था वो? आंगनबाड़ी का वहाँ जहाँ तक मामला है तो पूरे आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला THR वितरण होता है, ठीक है, और बच्चे को पोषण कुपोषण को दिया जाता है, नाप तोल का वजन दिया जाता है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और हम लोग का उसका अनुसरण करना, उसको देखना जाना। और हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में तो मैं बता दूं कि CDPO के द्वारा 2,000, 3,000, 3,500, मोटा मोटी 3,000 मान के चलिए, और कुल कि मतलब सब जगह पूरे जिला में पर एक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3,000 रुपया महीना वसूला जाता है, प्रत्येक आंगनबाड़ी के जिले में। ऐसा कोई आंगनबाड़ी नहीं है जिसे 3,000 चला नहीं जाता है, सोच लीजिए। दुर्भाग्य की बात है, हम लोग जनप्रतिनिधि बनकर रो रहे हैं कि बेकार है, कोई फायदा नहीं है जनप्रतिनिधि बनने का, मतलब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नाम भी होना चाहिए भाई, काम कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोलते लिखते पढ़ते थक जाते हैं, लास्ट में क्या होगा, हम लोग जांच करते हैं तो आरोप हम ही लोग पर लगता है कि ये पैसा मांगने के लिए आरोप, ठीक है पैसा मांगने के अगर सबूत है, पैसा मांगे हैं तो हम भी जेल जाएंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते सर लोगों की ये आस रहती है कि नहीं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे अगर हम समस्या अपनी बताएंगे तो उसका निराकरण हल जरूर निकलेगा, और यही उम्मीद लेकर लोग आप तक आते हैं। लेकिन आप अपने जो भी आपका जो प्रोसेस है, कार्रवाई है, वो आगे करते हैं, उसके बाद जांच होती है या नहीं होती है, कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये तो बाद की बात हो जाती है। लेकिन सर निराशा तो आपसे जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की जो निराशा है वो आपसे ही होगी। मैं खुद निराश हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि मैं अपने आप के काम को मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। मैं काम कहूँगा भाई, मेरा काम है कार्य योजना बनाना, मेरा काम करना योजना नहीं है। हम तो कह सकते हैं ये चीज़ खराब है, आप सोचिए कि जिला परिषद में आप जो है आप पंचम राज्य वित्त आयोग के माध्यम से काम होना है, इतने बात में तो काम तो कराएंगे पदाधिकारी, हमको काम है योजना का अनुशंसा करना। पिछले दिनों सर खाद, यूरिया खाद को लेकर आपने एक मुद्दा उठाया था, उसके बाद सभी मीडियाकर्मियों ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी था और उसका असर भी देखने के लिए मिला सभी क्षेत्रों में। तकरीबन देखा जाए सर तो यूरिया खाद की जो सरकारी कीमत है उस पर अब उपलब्ध हो गया है, तो क्यों ना सर इस तरह के मुद्दे को भी एक तरह से वैसे ही उठाया जाए जिस तरह से आपने खाद का मुद्दा को, यूरिया खाद के मुद्दा को उठाया था। आज भी यूरिया खाद का मामला किसी को अगर 266 रुपया 50 पैसा मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं कि आज भी 498 दुकानदार हैं पूरे जिला में और 18 स्टॉकिस्ट हैं। स्टॉकिस्ट ही सही दाम में नहीं देते हैं, स्टॉकिस्ट ही सही दाम पर नहीं देते हैं, और ना यूरिया से, यूरिया सब जगह 300 से ऊपर में मिलता है, 320 330 340 350 तक मिलता है। और मैं बता दूं कि पिछले 2016 से कृषि पदाधिकारी हैं यहाँ पर, आप उनको पूछिए, DM साहब हैं यहाँ पर, उनसे पूछिए कि 2016 से लेकर के चना का बीज का आवंटन कितने का हुआ, कितने किसानों को बीज दी गई, जो किसान का जो सरकारी दर पर बूट देना था, चना देना था, सब्सिडी में देना था, कितने किसानों तक पहुंचा, उसका रिपोर्ट मांगिए ना।
पता चल जाएगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप उसका सब चीज़ का मॉनिटरिंग करके देखिए ना भाई कि कहाँ तक सही है। अगर हम बोल रहे हैं गलत है तो हम पर भी 211 का मुकदमा चलाइए, हमको जेल भेजिए, तब हम गलत नहीं बोलेंगे। और नहीं तो जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको दंडित करें। एक भी पदाधिकारी, एक विभाग के पदाधिकारी, मैं तो मनरेगा पर उठा रहा हूँ सवाल, मैं कृषि विभाग पर उठा रहा हूँ सवाल, मैं मध्यान्ह भोजन पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं किस किस विभाग का राशन की दुकान पर सवाल उठा रहा हूँ, किस किस विभाग का सवाल उठा रहा हूँ, जहाँ जाइए। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में देखिए क्या होता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई क्या होती है? अगर जो कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उस पर आरोप लगता है कि ये पैसा मांगते हैं। ठीक, हो सकता है पैसा मांगते होंगे, हम भी मांगते होंगे, लेकिन अगर पैसा कोई दिया है हमको तो उस पर भी होना चाहिए। अगर हम ठीक है लिए हैं पैसा और सही बात है तो हमको भी जेल वगैरह भेज दें, फिर दोबारा मान ली फिर जेल आदमी जाएगा बेल कराएगा तो सजा मिलेगा, लेकिन फिर दोबारा ऐसा जनप्रतिनिधि करने का हिम्मत तो नहीं करेगा। नहीं, हमारा लोगों के नज़र में दागी भी हो जाएंगे, दागी भी हो जाएंगे। हमारा ये मानना है हम अगर दोषी हैं तो हमको भी जेल भिजवाइए, लेकिन अब क्या करेंगे कि जब हम सारे विभाग को उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं तो हम ही को लोग लगे भाई साला यही उठा रहा है, इसी को ख़त्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांस। ऐसा भी षड्यंत्र राजनीतिक में होता है कि कोई आदमी ऊपर उठ रहा है, अलग उठ रहा है, इसी को कहीं ना रास्ता का बाधक है, इसी को ख़त्म कर दो। मैं तो ये भी मानता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए कल हमारे साथ घटना घट सकती है। तो बहरहाल हमारे साथ आज जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साहब मौजूद थे। क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में इन्होंने, कई सारे ऐसे योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से इसकी जाँच की भी मांग की है। तो हम भी चाहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जाँच हो और इसकी सत्यतापूर्वक जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी हो। और आप हमारे साथ देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, और हमारे साथ कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद थे। बहरहाल हमारा ये बातचीत कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।